सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित आईपीओ की 141वीं बैठक में हिस्सा लेकर भारत लौटते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जर्मनी की आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी फ्रैंकफर्ट में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ मुलाकात की। भारत वंशियों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों का बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी भारतवंशी लोगों और उद्योगपतियों से बड़ी आत्मीयता से मिले और उनके साथ वतन से जुड़ी यादें साझा की। भारतीय समुदाय के लोग लोकसभा अध्यक्ष को अपने बीच पाकर काफी उत्साहित नजर आए। इस दौरान भारतवंशियों के बीच लोकसभा अध्यक्ष के साथ सेल्फी लेने का क्रेज भी दिखा। भारतवंशियों ने लोकसभा अध्यक्ष के साथ कई यादगार तस्वीरें खिंचवाई। जहाँ भी भारत के मूल व्यक्ति रहते हैं वे हमारे सांस्कृतिक दूत के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और हम देख रहे हैं कि सारा भारत यहाँ पर है। मुझे इस बात से बहुत खुशी होती है कि जिस देश में आपकी कर्म भूमि है हम सब भारत मूल के लोग इस कर्म भूमि के अंदर भी भारत के सम्मान और विश्वास को बढ़ाएं। हमारी कोशिश हो कि दुनिया के अंदर जहाँ भी संस्कारों के अपने विचारों के अपनी कार्यकुशलता के कारण अपने व्यवहार के कारण हमेशा भारत का गौरव सम्मान बढ़ाए रखें। फ्रैंकफर्ट में भारत वंशियों को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह से जर्मनी में बॉलीवुड फिल्मों ने अपनी जगह बनाई है उसी तरह भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को भी जर्मनी की तरफ से खूब सहयोग मिला है। वर्ल्ड बैंक के इज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी भारत की रैंकिंग काफी सुधरी है। उन्होंने जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय के उद्योगपतियों से भारत में निवेश करने की अपील की। भारत और जर्मनी के बीच संसदीय संबंधों का भी पुराना इतिहास है। 1971 से औपचारिक रूप से जर्मन बैंडस्टैग में भारत जर्मन संसदीय ग्रुप के बनने के बाद से दोनों देशों के संबंध निरंतर बढ़ते रहे हैं। हाल ही में दोनों देशों के सांसदों के एक दूसरे देशों में दौरों से द्विपक्षीय संबंधों को और शक्ति मिली है। लोकसभा टीवी के लिए फ्रैंकफर्ट जर्मनी से आशीष जोशी की रिपोर्ट।